तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप बता चुके हैं G5 के अकॉर्डिंग वीडियो के साथ और अपने इंडियन कास्ट के साथ। और गाइस, आज का जो हमारा चैलेंज है गाइस, काफ़ी ज़्यादा हट के और यूनिक होने वाला है। और गाइस, आज जो हमारे पास गाड़ियाँ गाइस, ये एकदम स्टॉक गाड़ियाँ गाइस, इनमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करके रखा है। क्योंकि गाइस, आज का जो भाई अपना चैलेंज है गाइस, हम लोग अपनी जो गाड़ी है उनकी रियल परफॉर्मेंस यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस, आज का चैलेंज क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारा आज का चैलेंज है ये कितना ज़्यादा यूनिक है। मतलब यार, एक तरीके से क्लाइम चैलेंज है, लेकिन गाइस जो अपना रैंप है ये पूरा का पूरा टिल्टेड है। तो गाइस, अपनी गाड़ियाँ जो है भाई यहाँ से जाने वाले हैं, उसके बाद यहाँ से इनको लेना होगा टर्न, और टर्न पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ियाँ काफ़ी स्किड करेंगी क्योंकि जो एंगल है वो आप लोग देख रहे हो भाई, पूरा पूरा इंक्लाइन। तो भाई यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद गाड़ी को पहुंचना होगा भाई इस वाले एरिया पे, यानी कि येलो वाले पार्ट पे, जो कि है गाइस अपना फिनिश पॉइंट। और जो भी गाड़ी अपनी यहां तक पहुंच जाएगी वो हो जाएगी अपने चैलेंज में पास। तो गाइस, देखते हैं अपनी कौन सी स्टॉक कार यहां तक पहुंच पाती है। तो लेट्स गाइस, यहां पे जो हमारी पहली गाड़ी है ये है अपनी महिंद्रा की XUV 500। और देखते हैं गाइस, अपनी 500 है यहां पे, ये कैसा परफॉर्म करती है, क्या ये ऊपर पहुंचेगी कि नहीं। तो भाई ये चलिए भाई अपनी XUV 500 यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से लिया हमने टर्न, और गाड़ी की स्पीड आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती जा रही है। और लेकिन यार, गाड़ी अपनी जो XUV 500 यहाँ पे अभी भी चढ़ रही है, काफ़ी बढ़िया तरीके से चढ़ रही है। और यहाँ से एक और टर्न, और भाई स्पीड अभी भी 30 की इसने मेनटेन करके रखी है, क्या बात है यार। और लाइट एक और टर्न यहाँ से, और फिनिश पॉइंट के काफ़ी करीब हम लोग भाई। 24:20 की स्पीड हो गई, 19:15, और गैस काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच चुके हम लोग। नहीं गैस, यहाँ पे जो अपनी XUV 500 है यार, ये ऊपर नहीं पहुंच पाई। मैंने फुल ट्राई किया यहाँ पे भाई, फिर से टोटल लेते हैं पूरा टोटल। नहीं यार, यहाँ पे जो अपनी XUV 500 है यार, ये नहीं चढ़ पा रही है, इसमें इतना पिकअप ही नहीं आ रहा है। गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। नहीं यार, तो गैस यहाँ पे जब अपनी XUV 500 यार ऑलमोस्ट फिनिश पॉइंट पहुँच कर रह गई। तो गैस यहाँ पे अपनी ये वाली गाड़ी यार, ये तो अपने चैलेंज में फेल हो गई है भाई, ऊपर नहीं पहुँच पाई है। और इसका जो रेडिएटर फैन है गैस, ये ऑन हो चुका है, यानी गाड़ी अपनी हीट भी हो चुकी है अच्छी खाई। तो मैं इसको जो नीचे उतार लेता हूँ अब। तो गैस, अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा थार की यार, अपनी ऑफ रोड किंग है। तो देखते हैं गैस, जो अपनी महिंद्रा थार है क्या यहाँ पे ऊपर पहुँच पाती है कि नहीं। और भाई आज का चैलेंज गैस काफ़ी मुश्किल हो चुका है, देख लो भाई अपनी XUV 500 नहीं पहुँच पाई। तो देखते हैं गैस थार का यहाँ पे क्या होता है, क्या अपनी थार यहाँ पर पहुँच पाएगी या फिर नहीं। और यहाँ से मैंने ले लिया है राइट टर्न, गाड़ी की स्पीड गैस 40 से 30 पे आ चुकी है। ओह पावर है यार गैस में, थार में काफ़ी पावर है। वापस इतने 40 की स्पीड कर दी थी बीच में, उसकी स्पीड बीच में काफ़ी स्लो जा रही है। और नहीं, मुझे काफ़ी डर लग रहा है भाई अपनी थार के लिए। ओहो गैस, बीच बीच में ना इसमें अचानक से पिकअप आता है, और फिर देख तो गैस गाड़ी एकदम शांत हो जाती है, और फिर से पिकअप आया यहाँ पे भाई। इसका टायर स्किड करना यहाँ पे शुरू हो चुका है, और 19 की स्पीड यहाँ पे मेंटेन है, 20:24। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद जो अपनी महिंद्रा थार अपनी पहली गाड़ी है जो कि यहाँ तक पहुँच पाई है, यार क्या बात है। तो अपनी थार को मैं जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि यार शायद से अपनी थार यहाँ पहुँच नहीं पाएगी, लेकिन बीच बीच में जो इसमें बूस्ट आ रहा था गैस, ये काफ़ी तगड़ा बूस्ट आ रहा था। तो गैस, अब बारी आती है यहाँ पे अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी की, और ये गैस अपनी ह्यूंडई क्रेटा। तो लेके चलते हैं क्रेटा को, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या अपनी क्रेटा यहाँ पे चढ़ पाती है या फिर नहीं। और अभी तो गैस काफ़ी स्मूथली जा रही है यहाँ पे अपनी क्रेटा, मुझे लग रहा है शायद से ये गाड़ी ऊपर पहुँच जाएगी। स्पीड 50 की थी, अभी 28 पहुंच चुकी है इसकी स्पीड। और गैस का एक साइड के टायर्स गैस स्किट होने शुरू हो चुके हैं। और नहीं, यहाँ पे गैस अपनी क्रेटा है, आप लोग देख पा रहे हो यार, ऊपर तो बिल्कुल नहीं चढ़ पा रही, वापस फिसल के नीचे आने लग गई है। मैं घुमाने की कोशिश कर भी करूँ तो शायद से घूम नहीं पाएगी। घूम जा यार, ओह घूम गई। नहीं गैस, बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगी इसके लिए। ये इस चैलेंज गैस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है मेरे हिसाब से। यार घूम जा भाई, फिर से घुमाते हैं, ट्राई करते हैं। अरे यार घूम ही नहीं रही है यार ये गाड़ी, उल्टा ट्राई करूं क्या, उल्टा ट्राई करते हैं। नहीं यार भाई, इसके टायर बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं यार, ये ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं इसको शांति से यहाँ नीचे ही उतार लेता हूँ गाइस, वही इसके लिए सही होगा। तो यहाँ पे अपनी क्रेटा गैस हो चुकी है अपने इस चैलेंज से आउट, तो मैं इसको यार जल्दी से इधर साइड में पार्क कर देता हूँ। तो कैसे बारी आती है यहाँ पे अपनी Scorpio S1 की, क्योंकि यार बहुत सारे लोग अपनी इस वाली स्कॉर्पियो को मिस करते कहते भाई अपनी पुरानी स्कॉर्पियो लेके आओ। तो भाई हम लोग लेके आ चुके हैं भाई अपनी Scorpio S1 को, और देखते हैं गैस क्या होता है, कि अपनी S1 यहाँ पे पहुँच पाती है या फिर नहीं। यार स्पीड तो काफ़ी धीमी हो चुकी है अपनी Scorpio S1 की यहाँ पे, और वाइट गाड़ी, वाइट रैम भाई काफ़ी अजीब लग रहा है यहाँ पे, और नहीं चढ़ पाएगी गैस, बहुत ज़्यादा इसके टायर्स फिसल रहे हैं। और गैस में इतनी पावर नहीं है मेरे हिसाब से कि यार ये ऊपर तक पहुँच पाए, यार नहीं पहुँच पाएगी गैस। जो अपनी Scorpio S1 है यार, ये भी यार अपने चैलेंज में जो है गैस फेल हो चुकी है। और एक बार और ट्राई करता हूँ मैं सीधा करके। ऑल राइट, गाड़ी हो चुकी है सीधी, यहाँ पे ब्रेक लग जा भाई, ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है इसका, रुक जा।
और राइट फुल थ्रॉटल दिया मैंने, फुल थ्रॉटल के साथ मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे ब्रेक। देख लो भाई नहीं चढ़ पा रही गाइस मेरी गाड़ी यहाँ पे, अपनी स्कॉर्पियो S1 को भी यार मैं नीचे ही उतार देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और कॉम्पैक्ट SUV की, और ये है गाइस अपनी विटारा ब्रेजा। तो गाइस देखते हैं जो अपनी ब्रेजा है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चलिए भाई अपनी विटारा ब्रेजा यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है, क्या ऊपर पहुँचेगी कि नहीं। ओहो काफ़ी सही चल रही है अभी तक तो भाई, S1 को तो पीछे छोड़ दिया इसने, और यहाँ पे गाइस टायर इसके स्किट मारे, लेकिन गाइस अपनी ब्रेजा है भाई ये बिना किसी दिक्कत के अभी तक जा रही है, उसकी स्पीड बहुत स्लो गई। चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, क्या बात है क्या बात है, चढ़ेगी चढ़ेगी चढ़ेगी, ये स्पीड फिर से धीमी हो गई। चल 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 चल, और नहीं यार ये लास्ट वाला यार काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंट है, और यहाँ भी ब्रेजा की भी हवा टाइट हो चुकी है, ये इससे आगे नहीं जा पा रही है यार। यार पूरा पूरा टायर जिसका पीछा स्किट मार रहा है, लेकिन भाई फुल थ्रॉटल देने के बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, रुक जा, और फुल थ्रॉटल नहीं गया इसमें भी, तारा ब्रेजा भी यार यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ पा रही। तो गाइस अपनी ये वाली गाड़ी भी अपना ही चैलेंज पूरा नहीं कर पाई। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर की, और देखते हैं गाइस क्या अपनी हैरियर यहाँ पे ऊपर चढ़ती है या फिर नहीं चढ़ती है। और ये चले गाइस अपनी टाटा हैरियर यहाँ पे, इसकी स्पीड मुझे काफ़ी मस्त लग रही है यहाँ पे, क्या ही चढ़ेगी। और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है गाड़ी में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई है इसकी, और 40 की स्पीड अभी इसने मेंटेन करके रखी है। यहाँ पे स्पीड काफ़ी डाउन हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डाउन, और चल 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 भाई फिसल रही है फिसल रही है फिसल रही है, पीछा टायर का काफ़ी फिसल रहा है। चढ़ 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 चढ़, क्या बात है क्या बात है, चढ़ रही है 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 चढ़ रही है। और गाइस यहाँ पे जो अपनी टाटा हैरियर है भाई ऊपर आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे अपनी हैरियर काफ़ी दमदार है यार, तो मैं इसको भी जो है जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा नेक्सॉन की, और भाई अपनी पुरानी वाली नेक्सॉन है। तो गाइस देखते हैं अपनी यही नेक्सॉन है कैसा परफॉर्म करती है, वैसे इंजन सेम ही होता है भाई नई और पुरानी में, तो जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे अपनी नेक्सॉन तो यार काफ़ी बढ़िया तरीके से जा रही है, और स्पीड थोड़ी सी डाउन हो चुकी है इसकी, क्या बात है क्या बात है, यहाँ पे अपनी नेक्सॉन काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। चल 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 चल, ओहो चल रही है गाइस नेक्सॉन काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे चल रही है, और भाई पहुँच जाएगी ऊपर, क्या बात है गाइस यहाँ पे टाटा में तो आज कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई। और तो अपनी नेक्सॉन है ये भी ऊपर पहुँच चुकी है, तो मैं अपनी नेक्सॉन को भी जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। यार इस गाड़ी में यार अलग ही पावर थी यार आज देखने को मिल गई यार। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी अल्टुरस G4 की, और देखते हैं गाइस जो अपनी अल्टुरस G4 है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। वैसे इस गाड़ी का जो वेट है ये काफ़ी ज़्यादा, और मैंने देखा है जो अपनी हैवी वेट वाली गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं चलो अपनी अल्टुरस G4 को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वैसे अभी देखो गाड़ी अपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से जा रही है, क्या बात है काफ़ी सही परफॉर्मेंस अभी तक अपनी अल्टुरस G4, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। चल 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 चल, और स्पीड बहुत धीमी हो चुकी है इसकी, 15 पहुँच गई है, 11, 9, ओ नहीं गाइस यहाँ पे अपनी अल्टुरस G4 जो है भाई इससे ऊपर नहीं जा पा रही है, 4x4 है यार ये गाड़ी गाइस, 4x4 होने के बावजूद भी जो अपनी अल्टुरस G4 है यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। मेरे हिसाब से इस गाड़ी को बस पहुँचना चाहिए था लेकिन यार नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि इसका वेट जो है गाइस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है इस गाड़ी को, मैं इसको भी ना नीचे ही उतार देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी हैचबैक की, अपनी टाटा एल्ट्रॉस की, और देखते हैं गाइस भाई एल्ट्रॉस है यहाँ पे क्या कमाल करने वाली है। तो गाइस ये चलिए अपनी टाटा एल्ट्रॉस, और देखते हैं कि अपनी एल्ट्रॉस की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रह, जैसे कि ये वाली गाड़ी भी अच्छी खासी पावरफुल है। और ये चलिए गाइस अपनी टाटा एल्ट्रॉस यहाँ पे, क्या बात है स्पीड अभी भी अच्छी खासी मेंटेन करके रखी है अपनी एल्ट्रॉस ने यहाँ पे, और शायद इसके टायर स्किट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओ भाई कैसी आवाज़ कर रही है गाड़ी, और नहीं गाइस यहाँ पे अपनी टाटा एल्ट्रॉस है ये ऊपर नहीं पहुँच पा रही है, और भाई क्या ही फिसल रही है गाड़ी। तो गाइस यहाँ पर टाटा एल्ट्रॉस यार ऊपर नहीं पहुँच पा रही, उसको सीधी करने की कोशिश करता हूँ यार, सीधी भी नहीं हो रही है, उल्टा चढ़ा के देखें, उल्टा 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 देखते हैं, फुल थ्रॉटल नहीं गाइस, ओ चढ़ी चढ़ी उल्टी चढ़ रही है, क्या बात है गाइस यहाँ पर अपनी टाटा एल्ट्रॉस उल्टी जा रही है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं जा पाएगी, फुल थ्रॉटल नहीं यार यहाँ पर अपनी एल्ट्रॉस भाई नहीं जा पा रही, ना सीधी जा रही ना उल्टी जा रही है, तो मैं इसको नीचे ही उतार लेता हूँ सीधा, और यहाँ से ना मोड़ना भी बहुत ही मुश्किल काम है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी सुजुकी डिज़ायर की, और देखते हैं गाइस भाई डिज़ायर है यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली, काफ़ी लाइट वेट कार है परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, तो लेके चलते हैं अपनी डिज़ायर को।
ऑल राइट भाई, अपनी डिजायर यहाँ पे काफी बढ़िया स्पीड में जा रही है, 60 की स्पीड मेंटेन करके रखी यार डिजायर ने, क्या बात है। और स्पीड अब जाके धीमी हो चुकी है, 30s में आ चुकी है। ओहो चल 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 चल, क्या बात है क्या बात है। तो गैस यहाँ पे जो अपनी सुजुकी की डिज़ायर है यार, क्या बात है, अपनी ये वाली गाड़ी ऊपर आ चुकी है यार। मतलब यार कमाल कर दिया यार आज अपनी डिज़ायर ने भी, और अपनी ये वाली गाड़ी भी यहाँ पे ऊपर चढ़ गई। तो मैं इसको भी जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा बुलेरो की, और देखते हैं गैस क्या होता है, कि अपनी बुलेरो यहाँ पे ऊपर पहुँचती है कि नहीं। और लाइट ये जी अपनी देसी गाड़ी यहाँ पे, अपनी महिंद्रा बुलेरो, और देखते हैं क्या होता है भाई। तो काफ़ी सही चल रही है, काफ़ी जल्दी अपनी बुलेरो यहाँ पे शायद सुपर पहुँच जाएगी, मुझे तो ये लग रहा है यार इसे ऊपर पहुँच जानी चाहिए, इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। और भाई साहब 30 की स्पीड इसने मेंटेन करके रखी हुई है, यहाँ पे बीच में 40 भी पहुँच रही है, इसकी स्पीड वापस से काफ़ी डाउन हो गई। चढ़ 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 भाई 27 की स्पीड से जो अपनी महिंद्रा बुलेरो है यहाँ पे ऊपर जा रही है और पहुँच गई, क्या बात है। अपनी महिंद्रा बुलेरो भी यहाँ पे ऊपर पहुँच चुकी है, तो मैं इसको भी जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो S11 की, और देखते हैं गाइस क्या होता है, कि अपनी स्कॉर्पियो S11 यहाँ पे पहुँचेगी कि नहीं। और भाई मुझे तो अपनी स्कॉर्पियो S11 की जो यार पावर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, पता नहीं कि इसका वेट भी कम है, उसका इंजन जो भाई काफ़ी ज़्यादा पंची है यार, मतलब बहुत सही चलता है यार इसका इंजन, क्या बात है। 40 की स्पीड से अपनी जो है स्कॉर्पियो S11 अभी पहुंच गई थी, फिर से 30 आई, फिर से 40 पहुंच गई, और 20 आ चुकी है इसकी स्पीड। ओहो हो भाई रुकना नहीं भाई स्कॉर्पियो S11 यार, मैंने बोल दिया भाई नाक ना कटवाना मेरी। और पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई गाइस, यहाँ पर स्कॉर्पियो S11 है ये भी ऊपर पहुंच गई है, और जो परफॉर्मेंस थी वो तो आप लोगों ने देखी होगी इसकी। तो गाइस फाइनली अपनी स्कॉर्पियो S11 है ये, इसको भी मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब किया सोनेट को लेते हैं, और देखते हैं आज अपनी किया सोनेट यहाँ पे यार ये क्या कमाल करती है, और GT वाली भाई फुल टॉप मॉडल, तो लेके चलते हैं इसको भी। ये रही अपनी किया सोनेट यहाँ पे, और काफ़ी सही स्पीड से जा रही है, 90 पहुँच गई थी भाई अपनी सोनेट यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है। यहाँ पे सोनेट को देखो तो यार क्या ही मतलब मस्त चल रही है यार, और भाई काफ़ी आराम से पहुंच गए अपनी सॉर्ट यार, बहुत यार करीब स्पीड की धीमी हो रही है इसकी, और रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं। और फाइनली गाइस जो अपनी किया सॉनेट यार ये तो भाई बहुत ही इजीली चढ़ गई, मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अपनी सॉर्ट इतनी आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन यार ये वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आराम से ऊपर पहुँच गई है। तो गाइस बारी आती है यहाँ पर अपनी किया सेल्टॉस की, और देखते हैं गाइस अपनी किया सेल्टॉस है यहाँ पर ये कैसा परफॉर्म करती हूँ, जो अपनी सॉनेट यार वो तो ऊपर पहुँच गई, तो देखने वाली बात है कि अपनी सेल्टॉस ऊपर पहुँचती है कि नहीं। और ये चली गया अपनी सेल्टॉस यहाँ पे, और ये भी काफ़ी सही स्पीड में जा रही है यार, मतलब किया वाली भाई गाड़ी क्या खा के आ रही है। और नहीं यहाँ पे भाई सेल्टॉस ने फिसलना शुरू कर दिया यार, भाई बहुत फिसल रही है गैस, कैसे सांप की तरह फिसल रही है। और नहीं यार अपनी सेल्टॉस, तो मुझे इसका पहुँच पाना मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी किसी तरह सीधी हो जाए, और फिर मैं आई, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ने दूँगा ना भाई गाड़ी भी फिसल जाएगी। नहीं यार नहीं चढ़ पा रही अपनी सेल्टॉस जो है गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही है, और नहीं यार इससे तो नहीं हो पाएगी, तो मैं अपनी सेल्टॉस को भाई जल्दी से उतार देता हूँ। गाइस अब बारी आती है यहाँ पर छोटी सी गाड़ी, और यह है गाइस अपनी सुजुकी स्विफ्ट, और देखते हैं गाइस अपनी स्विफ्ट इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो ये चली गाइस अपनी स्विफ्ट यहाँ पे, और राइड काफ़ी सही चल रही है अपनी स्विफ्ट भाई, क्या बात है, 60 की स्पीड से जा रही है, इसका वेट काफ़ी कम है ना, इसके तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, और बिना किसी प्रॉब्लम के अभी तक तो अपनी स्विफ्ट यहाँ पे चढ़ रही है। ओहो स्पीड काफ़ी स्लो हो गई, और वापस से भाई चढ़ जा, क्या बात है क्या बात है यार क्या बात है। अपनी स्विफ्ट मुझे लग रहा है यार यहाँ पे ऊपर पहुँच सकती है, 30 की स्पीड तक पहुँच गई थी ये, 27 वापस से 30 पहुँच रही है। और यार यहाँ पे जो अपनी स्विफ्ट यार ये गाइड थी यार ऑल टाइम फेवरेट है यार, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है अपनी स्विफ्ट यहाँ पे, तो मैं इसको भी जो है जल्दी से इधर पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा की, और देखते हैं गैस मैं इनोवा क्रिस्टा है क्या ये ऊपर पहुँचती है कि नहीं। तो गैस ये चले अपनी इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे, और देखते हैं जो अपनी क्रिस्टा की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे कैसी रहती है। और अभी तो काफ़ी बढ़िया स्पीड में जा रही है अपनी क्रिस्टा, वैसे इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो अपनी क्रिस्टा को, यहाँ पे स्पीड धीमी होकर 19:18 पहुँच चुकी है, और काफ़ी धीमी हो गई है, 10:9:87 और गई। गाइस अपनी क्रिस्टा भी यहाँ पे ऊपर नहीं पहुँच पा रही, उन्हें ब्रेक लगा लिया, फुल थ्रॉटल देते हैं, और नहीं गाइस यहाँ पे अपनी नोवा क्रिस्टा भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है इसका, तो ये वाली गाड़ी भी जो है भाई अपनी इस चैलेंज में यार आउट हो चुकी है। फुल ट्राई करता हूँ,
नहीं यार भाई, फिसल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, और देखते हैं गाइस अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर यहाँ पे ये कैसे परफॉर्म करती है। ऑल राइट, ये अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्पीड में जा रही है यार, ये तो क्या बात है। ओह गाइस यहाँ पर अपनी लेजेंडर को आप लोग देख रहे हो भाई, क्या ही मस्त चल रही है भाई बिना किसी प्रॉब्लम के, और स्पीड 50 की इसने मेंटेन करके रखी हुई है लगातार। और गैस यहाँ पे जो अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर है ये भी बहुत चुकी है, और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कोई भी गाड़ी जो भाई अपनी मॉडिफाइड नहीं है, सारी की सारी भाई स्टॉक है। तो गैस देख सकते हो भाई लेजेंडर में जो पावर है भाई ये किस लेवल की है। तो गैस जब बारी आती है यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो एन की, और गैस अपनी स्कॉर्पियो S11 पहुँच चुकी है। तो गैस देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन है ये कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चले गए अपने स्कॉर्पियो एन यहाँ पे, और भाई यार ये तो एकदम ही अलग चल रही है गाइस, क्या बात है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्कॉर्पियो एन है, ओहो हो हो, स्पीड अब जाके इसकी धीमी हो रही है काफ़ी, 40 पे आ चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है गाइस ये भी काफ़ी इजीली पहुँच जाएगी। बीच बीच में इसके टायर स्किट भी मार रहे थे, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे हम लोग को पता लग चुका है गाइस अपनी स्कॉर्पियो एन है ये अपने S11 से काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो मैं इसको भी जो है यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी सेडान कार अपनी होंडा सिटी की, और देखते हैं गाइस यहाँ पे जो हमारी होंडा सिटी है ये कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चलिए गाइस अपनी होंडा सिटी यहाँ पे, और काफ़ी स्मूथ जा रही है अपनी होंडा सिटी, और देखते हैं क्या होता है, क्या बात है। 50 की स्पीड 40 हो चुकी है, 30 हो चुकी है, 20 की स्पीड आ चुकी है अपनी होंडा सिटी की यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा स्लो थी जा रही यार, तो 20 पहुँच गई, 20 पहुंच गई है, और नहीं शायद से इसके ऊपर ही नहीं जा पाएगी क्या। 14 की स्पीड अभी मेंटेन है, 15 पहुंच गई, 16 पहुंच गई है, 13 वापस से, और नहीं यार मैं नहीं चाहता कि कहनी होंडा सिटी इतनी ऊपर आके रुक जाए। ओ रुक गई भाई, फिसलना शुरू कर दिया अपनी होंडा सिटी ने यहाँ पे, और देख तो मैंने पूरा आए का बटन दबा रखा, लेकिन गाड़ी भाई नहीं चढ़ पा रही है। मैं इसको सीधी भी कैसे करूँ यार यहाँ पे, एक तो यार गाड़ी अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो ऐसा भी नहीं कि मैं इसको ड्रिफ्ट मार के सीधी करा सकता हूँ। तो यहाँ पे गैज अपनी होंडा सिटी गैज ये तो यार अपने चैलेंज में फेल हो चुकी है। वो उल्टा ट्राई करें क्या, नहीं यार उल्टा भी नहीं होने वाला गैस, इसमें इतनी पावर नहीं है कि यार ये ऊपर तक पहुंच जाए। तो गैस अपनी होंडा सिटी भी यहाँ पर चैलेंज में आउट हो जाती है। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी होंडा सिटी की कॉम्पिटिटर अपनी ह्यूंडई वर्ना की, और देखते हैं गैस मेरी वर्ना है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो ये जो गैस अपनी ह्यूंडई वर्ना यहाँ पर, और ये चढ़ी ऊपर, और ये वाली गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जा रही है, देखते हैं कितनी ऊपर जाती है। वैसे अपनी होंडा सिटी पूरी ऊपर तक पहुँच के रह गई थी, और कोई दिक्कत नहीं आई है भाई अपनी वरना में अभी तक। 24-23 की स्पीड है, 19-18, और भाई फिसलने वाली मुझे ऐसी फील आ रही है इससे, क्या बात है। अभी भी चल रही है और पहुंच जाएगी क्या, ओहो क्या बात है गाइस, यहाँ पर वरना को आप लोग देख रहे होगे, ओ अपनी होंडा सिटी तो आ गया, लेकिन इसकी स्पीड बहुत धीमी हो गई है भाई, वापस जा रही है। फुल थ्रॉटल देते हैं, और ये मैंने छोड़ी ब्रेक, और नहीं गाइस इससे ऊपर अपनी वरना भी नहीं जा पा रही है यार। तो गैस यहाँ पर अपनी वरना अपनी सिटी से तो आगे आई, लेकिन पूरी ऊपर तक नहीं पहुँच पाई, इसका मतलब यार अपनी ये वाली गाड़ी भी अपने इस चैनल में फेल हो चुकी है। तो गैस अब बारी आती यहाँ पर अपनी बीस्ट कार की अपनी फोर्ड की एंडेवर की, और इसका जो वेट है यार ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लेके चलते हैं एंडेवर को, देखते हैं गैस क्या परफॉर्मेंस अपनी एंडेवर की यहाँ पे। गैस देख रहे हो भाई क्या ही पावर अपनी एंडेवर में, ओ तो इसको संभालना ही मुश्किल है भाई, क्या ही सही स्पीड से जा रही है भाई, इतना ज़्यादा वेट होने के बाद भी जो अपनी एंडेवर है यार इसमें जो पावर है, ओ ओ ओ, ओ भाई लगातार स्किट मार रही गैस ये गाड़ी, गैस लगातार स्किट मारी, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुकी। तो पावर यार जो अपनी एंडेवर है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मैं जल्दी से इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। ऑल राइट भाई अपनी एंडेवर भी हो चुकी है यहाँ पे पार्क, और गैस एक चीज़ देखो भाई अपनी जो बीस्ट कार है भाई लाइन से ना यहाँ पे खड़ी हुई है भाई, 1-2-3 भाई सबसे ज़्यादा दमदार गाड़ियाँ लगती मुझे ये। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV 700 की, तो गैस देखते जो अपनी XUV 700 क्या ये ऊपर पहुँचती है। तो अपनी 500 यार काफ़ी ऊपर तक पहुँच के रह गई थी, तो देखते हैं गैस अपनी 700 क्या ये ऊपर तक पहुँचती है कि नहीं। ऑल राइट भाई काफ़ी बढ़िया चल रही है, 50 की स्पीड 40 हो चुकी है, 40 हो चुकी, 20 हो गई है भाई इसकी स्पीड, 23-22-20-19, ओहो बूस्ट आया गाइस 14-26-23, और यहाँ पे इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, 23-20-19, ओ भाई अप डाउन जा रही है इसकी स्पीड, और नहीं रुकना, और नहीं गाइस यहाँ पे जो अपनी XUV 700 है, ओहो हो
गाइस यहाँ पे यार ये ऐसे करके शायद से ऊपर पहुँच सकती है, लेकिन नहीं यार इससे ऊपर तो ये नहीं जा पा रही। फुल थ्रॉटल देते हैं यार, फिसल बहुत रही है और देख रहे हो भाई कैसे करके भाई ऊपर जा रही भाई, थोड़ा 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 करके पहुँचेगी क्या? नहीं पहुँच पाई क्योंकि यार मैंने इसके ऊपर तक ऐसे करके पहुँचा भी दिया ना, फिर भी यार वहाँ पे जाने की थोड़ी सी स्पीड चाहिए जिससे गैस ये जो अपना रैंप वाला एरिया ये थोड़ा पार हो पाए, तो यार वो तो इस स्पीड में हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर तक आ चुकी भाई, पहुँच 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 पहुँच। ओ देखा मैंने बोला था ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर ला के फुल थ्रॉटल देता हूँ। ओ पहुँच जा पहुँच जा पहुँच जा पहुँच जा, नहीं गैस नहीं पहुँच पाई क्योंकि अब वहाँ तक जाने के लिए गाड़ी में थोड़ा सा मोमेंटम होना ही चाहिए, बिना उसके नहीं हो सकता। गैस यहाँ पे अपनी इस गाड़ी को मैं जल्दी से नीचे उतार देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा सफारी की, और इधर गैस अपनी नई वाली सफारी ये यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है। और लाइक गैस ये चलिए अपनी टाटा सफारी यहाँ पर और देखने गैस तो इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है। और भाई काफ़ी धीमी हो चुकी है अपनी सफारी, यहाँ पर क्या ही ऊपर पहुँचेगी यार, फिसल रही है यार पीछा टाइप से, काफ़ी फिसल रहा है, स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है अपनी सफारी की यहाँ पे, और बहुत धीमी हो गई है, बहुत धीमी हो गई है। और नहीं गैस जो अपनी ये वाली सफारी ये भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि गैस का भी जो वेट है यार काफ़ी ज़्यादा है। फुल दौड़ लेते हैं यार, देख रहे हो भाई कैसे टाइप फिसल रहा है, लेकिन भाई ऊपर तो ये नहीं जा पा रही, तो मैं इसको भी यहाँ जल्दी से हटा देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी काफ़ी पुरानी सफारी अपनी टाटा सफारी डाइकोर की, और देखते हैं गैस में डाइकोर यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है। ओहो क्या ही पावर है गैस में डाइकोर में, ओहो लड़ गई कहीं से तो लड़ी भाई, बम्पर इसका निकल चुका है शायद से। ओ भाई कितना ज़्यादा फिसल रही गैस में डाइकोर यहाँ पे, या इसको तो कंट्रोल करना ही बहुत ही बड़ा टास्क है। और गैस नहीं यहाँ पे अपनी डाइकोर में आई इतनी पावर तो बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये चल रही भाई, अपनी 2021 वाली नहीं चल पाई, तो गैस ये कैसे चल सकती है। तो गैस मैं इसको जो है जल्दी से नीचे उतार देता हूँ। गैस गाड़ी की हालत देख लो क्या हो गई भाई, आगे वाला जो टायर भाई वो इसका जाम हो गया यार, मतलब ऐसी टक्कर हुई कि गैस आगे का टायर ही जाम हो गया इसका। तो देख रहे हो भाई कैसे घूम ही नहीं रहा है भाई, घूम ही नहीं रहा है ये, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो गैस अब आ रही आती है यहाँ पे हमारी आज की आखिरी गाड़ी अपनी ह्युंडई वेन्यू की, और देखते हैं क्या होता है। तो ये चलिए गैस अपनी ह्युंडई वेन्यू यहाँ पे, और भाई क्या बात है स्पीड तो काफ़ी सही मेनटेन करके रखी अपनी वेन्यू ने यहाँ पे, क्या ही ऊपर पहुँचेगी क्या ही ऊपर पहुँचेगी, स्पीड देख रहे हो कितनी सही है यार इसकी। ओ लड़ गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और यस यहाँ पर जो ह्युंडई वेन्यू है भाई ये भी ऊपर पहुँच गई यार, मतलब काफ़ी इजीली आई है अपनी वेन्यू और अपनी सोनेट जो है भाई ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती है, तो मैं इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का चैलेंज है वो यहाँ पे ख़त्म हो, तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे भाई अपनी कौन कौन सी गाड़ियाँ ऊपर पहुँची हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।